अबरूल पुष्पा का। तो दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म के रिलीज होने के पहले ही स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड्स की भरमार लगाना शुरू कर दी है। और दोस्तों, इनके फर्स्ट लुक और फर्स्ट टीजर कट ने ही इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुष्पा 2 के टीजर को और इस फिल्म के पोस्टर को अभी तक कितने लाइक्स मिल चुके हैं, नए नए रिकॉर्ड्स ये फिल्म क्या बना रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही अजय देवगन की फिल्म भोला, नानी की फिल्म दशहरा और इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म गुमराह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म गुमराह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। और इस फिल्म के लीड में आपको आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर नजर आई है। दोस्तों, बता दे चले आपको कि वर्धन केटकर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस लगभग 1200 से 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 1,35,00,000 रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से यह फिल्म अपने दूसरे दिन थोड़ी सी ग्रोथ करने में कामयाब रही। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि आदित्य रॉय कपूर की इस फिल्म का एक्शन तो ऑडियंस को पसंद आ ही रहा है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म की स्टोरी को इस फिल्म में हमें दिखाया गया है वो भी काफी थ्रिलिंग है। यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20% की ग्रोथ दिखाई और कमाए हैं 1,60,00,000 रुपए। तो वहीं दोस्तों, आज ये फिल्म अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से थोड़ी सी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों रिव्यूज तो काफी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का प्रमोशन इतना ज्यादा नहीं हो पाया। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी लगभग 2 करोड़ के ही आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन है वो 5 करोड़ रुपए के ही आंकड़े को टच कर पाया है। और ऐसे में दोस्तों गुमराह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि दोस्तों दशहरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको नेचुरल स्टार नानी, कीर्ति सुरेश और कई सारे एक्टर्स नजर आए हैं। वहीं दोस्तों डायरेक्शन किया है इस फिल्म का श्रीकांत ओडेला ने। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कि 65 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था। और इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड वाइड सिनेमा में नानी को वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर दिला दी है। अपने पहले ही दिन से रिकॉर्ड ओपनिंग लेने वाली दशहरा ने जहां अपने शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में 87 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने फर्स्ट वीक में ही ये फिल्म 108 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी थी। ये इस फिल्म का दोस्तों दूसरा हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते इस फिल्म के सामने रवि तेजा की फिल्म रावण असुरा आ चुकी है। लेकिन बावजूद उसके नानी की फिल्म ने इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर से जहां अपने 9वें दिन कमाए थे 3.5 करोड़ रुपए, तो वहीं दोस्तों अपने 10वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस भी लगभग 4 करोड़ रुपए के रहे। आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 11वां दिन है और आज के भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म आज भी दुनिया भर से करने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 122 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका होगा। वहीं दोस्तों ये फिल्म नानी के करियर की बिगेस्ट ग्रोसर फिल्म भी बन चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रही और आज अपने 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अजय देवगन सर के ही डायरेक्शन में बनने वाली भोला, जिसके लीड में आपको अजय देवगन के अलावा तबू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक दोबरियाल नजर आए हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने भी ऑडियंस का दिल जीतते हुए अपने पहले दिन जहां 11 करोड़ 20 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों 4 दिनों के वीकेंड में ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 44 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, तो वहीं दोस्तों अपने फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने लगभग 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर ही लिया था। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को एंजॉय कर रही है, इस फिल्म के विजुअल्स काफी बढ़िया है और एक्शन भी दोस्तों
एक अलग लेवल का है जो कि दोस्तों बॉलीवुड में आज तक आपने देखा नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के 9वें, 10वें और 11वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने दूसरे हफ्ते की भी शुरुआत अजय देवगन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की और अपने 9वें दिन इस फिल्म ने जहां 3,60,00,000 रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों कल अपने 10वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से 20% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए हैं 4,30,00,000 रुपए। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 67,80,00,000 रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका था, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 90 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने 11वें दिन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज के भी अजय देवगन की इस फिल्म की जो एडवांस है वो काफी स्ट्रांग है। ये फिल्म दोस्तों आज मॉर्निंग से ही 12-13% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है, तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग की भी इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी बढ़िया है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने 11वें दिन लगभग 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 73 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 96 करोड़ रुपए की कमाई आज कर चुकी होगी और एक या दो ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म 100 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अपने बजट की रिकवरी कर लेगी। दोस्तों बताते चले आपको कि भोला का बजट 100 करोड़ रुपए का है, हालांकि इस फिल्म को हिट होने के लिए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने होंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल के नए रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कि दोस्तों अपने रिलीज के साथ ही नए नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है और इस साल रिलीज होने वाले इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अल्लू अर्जुन सर के बर्थडे के एक दिन पहले 7 अप्रैल को ही दोस्तों इस फिल्म का एक कॉन्सेप्ट टीजर रिलीज किया गया था, जिसे कि 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया और इन 5ों ही लैंग्वेजेस में दोस्तों अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के टीजर को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों अल्लू अर्जुन एक बार फिर से अपने स्वैग और अपने स्टाइल से आप सभी का दिल जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर हमें देखने को मिला था वो जबरदस्त था। इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर ने ही इंस्टाग्राम पर लगभग 6 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हासिल कर लिए थे, जो कि एक तरह से एक हिस्ट्री है। साथ ही साथ दोस्तों अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के फर्स्ट लुक ने फेसबुक पर भी 1 मिलियन लाइक्स हासिल किए, वहीं दोस्तों ट्विटर पर भी लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लाइक्स हासिल करने वाला ये इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन फर्स्ट लुक नजर आया है। इस फिल्म ने दोस्तों अपने रिलीज के पहले ही सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, तो सोचो दोस्तों कि ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो कितने रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। फिलहाल में दोस्तों अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के लिए जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 150 करोड़ रुपए की नेट कमाई करने वाली है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 250 करोड़ रुपए का अपने पहले ही दिन होने वाला है। आपके हिसाब से दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।